नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त उमेश मैं एक बार फिर हाजिर है आप लोगों के साथ एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, बात कर रहा हूँ आज मैं वुमेन सुपरवाइजर से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों की काफ़ी डिमांड चल रही थी कि सर आप वुमेन सुपरवाइजर से रिलेटेड जो भी आपको नोट्स चाहिए थे तो नोट्स से रिगार्डिंग आप बार बार पूछ रहे थे, तो दोस्तों इसी बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले मैं गुजारिश करूँगा, अगर आप आज नए हैं मेरे चैनल पे तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप वीडियो अच्छा लगे और मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा जिनसे उनको भी इस चीज़ का फायदा हो सके। दोस्तों, आप जो नोट्स मांग रहे थे मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता चुका हूँ मैं कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वही आपका डीटो का डीटो सिलेबस अब जो महिला सुपरवाइजर ने जो बोर्ड है उस बोर्ड ने वापस से अपलोड किया है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट ऐसा लगता है तो। अब दोस्तों, मैंने सिलेबस वाइज आपको ये बता ही दिया था कि आपको कौन सा टॉपिक कितना टाइम देना है और किस अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं। एक आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों की खुद की, कि जो 6 जनवरी को जो एग्जाम होने वाली है, मैं एग्जाम डेट भी बता चुका हूँ, सर आपके पास जो आप रीजनिंग अगर पढ़ा रहे हैं तो आप रीजनिंग के नोट्स हमें प्रोवाइड कराइए, और मैंने आपसे पहले बोला था कि ये जो चीज़ होगी वो आपकी पेड होंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो चीज़, अगर आप जो वो नोट्स हैं आप खुद लेना चाहते हैं, तो इससे रिगार्डिंग वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था आपको कैसे अपलोड करना है, कैसे आपको नोट्स परचेज करने हैं, तो आप उसी से रिगार्डिंग आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं जो कि आपकी सभी एग्जाम्स में काम में आएंगे। जैसे वुमेन सुपरवाइजर हुआ, एसएससी जीडी बैंक, एसएससी जो भी एसएससी की जो एमटीएस है, जीडी है और सीएचएसएल है, जिस भी स्टेट के आप चाहे हरियाणा यूपी एमपी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपको हर एक चीज़ का वो उसमें सिलेबस जो है क्लियर होगा। अभी जितना जो आपको नोट्स अपलोड किए गए हैं वो नोट्स हैं कि आपको जैसे स्पेशली वुमेन सुपरवाइजर को लेकर के, लेकिन वो जो जितने टॉपिक हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो जिन एग्जाम के लिए ज़्यादा सिलेबस आता है उनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं जो भी आपके जो रिगार्डिंग जो मैटर होगा वो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपकी जो भी डिमांड होगी आप कमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बोला था नोट्स डाउनलोड करने के बाद पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आपसे उसी के रिगार्डिंग आप 20 से 30 सेकंड का वीडियो बना करके हमें भेज सकते हैं। जैसे कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था उनमें जो सुरेश जी का जो एक वीडियो आया था वो मैंने अपलोड कर दिया था। तो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो, दूसरी बात कई लोग चैनल पर आके ये भी कमेंट करेंगे कि मैं सेल कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, कि दोस्तों आप नहीं परचेज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप परचेज करेंगे तो भी आपकी मर्जी है, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो अपवाद हैं वो करते रहेंगे अपने हिसाब से। अगर आपको ठीक लगता है कुछ भी मेरा दिया किया गया प्रयास भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ में। और आप स्टेप बाय स्टेप जो आपके स्पेशली वुमेन सुपरवाइजर वालों से कहना चाहूँगा, स्टेप बाय स्टेप जो टॉपिक दे रखे हैं वो मैंने कवर अप किए हैं। बाकी अगर आपको जैसे जीके वगैरह में और प्रॉब्लम आ रही है उसका वीडियो आपको शाम तक और मिल जाएगा, शाम तक या कल सुबह तक, कि आप जीके कहाँ से पढ़ें। दूसरी बात, करंट जीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट का जो कवर करता है वो उसी में कवर करता है। और फिर रही बात आप इकोनॉमिक्स वगैरह की, काफ़ी डिमांड थी, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान एक ही चीज़ में परफेक्ट होता है। अगर कोई आपको ये कह रहा है ना कि वो कुछ भी कर सकता है, हर सब्जेक्ट वो पढ़ा सकता है, तो वो होगा कि मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ से वो चीज़ कलेक्शन करके और एक प्रॉपर तरीके से दी जाती है वो चीज़। ये नहीं उठा करके मैं आपको कुछ भी दे दूँ, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं, उस ट्रस्ट पे बने रहना जरूरी होता है। एक बार तो आप सोचोगे कि यार उमेश सर ने दिया तो पढ़ लेते हैं अपन, लेकिन बाद में अगर वो कोई काम का नहीं रहा तो आपका टाइम तो वेस्ट होता है ना। इसलिए मैं आपको कुछ गलत देने से अच्छा है कि मैं थोड़ा कम दे दूँ। तो मेरी उम्मीद और मेरी कोशिश यही है, अगर इसमें आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप बता सकते हैं। वैसे मैंने हमेशा यही ट्राई किया है कि मैं आप लोगों के ट्रस्ट पे बना रहूं और आपको कुछ बेस्ट देने की कोशिश करूं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं फिर से कहूंगा, अगर आप वुमेन सुपरवाइजर का आपने फॉर्म भरा है तो 6 जनवरी को इसकी एग्जाम है, इससे रिगार्डिंग जो रीजनिंग के नोट्स है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आप चाहें तो 99 रुपीज़ पे करके आप उन्हें परचेज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है दोस्तों। और भी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और आपका प्यार यूं ही बना रहे। अगर आप फिर भी कुछ अच्छा सोचते हैं इस चैनल के बारे में, मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप मैं अपना वीडियो है मुझे मेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी दे रखी है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को फीडबैक लेने की कोशिश करता हूँ, कि जितने लोगों का मैंने फीडबैक लिया वो यहाँ पे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको कैसा लगा, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को अपना 100% देने की, और जितना बेटर हो सके हर दिन। और दोस्तों दूसरी बात,
कि मैं सिंगल पर्सन हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ में मेरा इतना कोई वो नहीं है कि कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, अकेले इंसान को सब कुछ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर भी इस शॉर्ट पीरियड में मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। वो सिर्फ आप लोगों का प्यार है, वो यूँ ही बना रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको लिंक दिया गया है उसमें आप जो दूसरा वीडियो डाला गया वुमन सुपरवाइजर के नोट्स, ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।